हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाथों पैरों में झुनझुनी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर जब हम एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तब हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। जिन लोगों को यह समस्या ज़्यादा होती है उन्हें लगता है कि ये किसी बीमारी का सिग्नल है। कुछ देर एक ही पोजिशन में बैठे रहने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं और उन्हें हिलाने डुलाने में तकलीफ महसूस हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथों पैरों में झंझनाहट किन कारणों से होती है, हाथों पैरों में कमजोरी या झुनझुनी का एहसास होना किस बीमारी के लक्षण हैं, हाथों पैरों में झुनझुनी का डायग्नोसिस कौन सी टेस्ट की मदद से कर सकते हैं, झंझनाहट दूर करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ उत्तम हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसके लिए बहुत ही कारगर और फायदेमंद घरेलू और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त रहते मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि हाथों पैरों में झुनझुनाहट किन कारणों से होती है। जिस्म में होने वाली छोटी से छोटी भी समस्या किसी न किसी कारण ही पैदा होती है। वैसे ही जिस्म में झुनझुनी होने के पीछे कई कारण हैं। कई बार यह समस्या किसी अंदरूनी चोट के कारण होती है तो कई बार कुछ बीमारियां भी इसका कारण होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये समस्या होने के पीछे क्या कारण होते हैं। इसका सबसे पहला कारण है विटामिन की कमी। जिस्म की विटामिन की कमी के कारण भी हाथों पैरों में झंझनाहट हो सकती है। विटामिन की कमी की वजह से जिस्म को काम करने के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से जिस्म की नसें कमज़ोर होने लगती है और हमें झंझनाहट के रूप में ये महसूस होती है। ख़ास तौर पर जब जिस्म में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो हाथ पैर और पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लगती है। इसका दूसरा कारण है नसों में दबाव। हाथों पैरों में झुनझुनी आना नसों में दबाव की वजह से भी हो सकता है। कई बार गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से कमर और गर्दन की नस पर दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट होती है। साथ ही गर्दन और जिस्म के दूसरे हिस्से सुन पड़ने लगते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की खराबी या कुछ बीमारियां उसके आसपास की नसों पर दबाव बनाती है, जिसके वजह से भी मरीज उस नर्व को सप्लाई करने वाले एरिया में झुनझुनाहट महसूस करता है। इसका तीसरा कारण है एक ही पोजीशन में बैठे रहना। कभी कभार हाथों पैरों में झुनझुनी आना एक आम समस्या हो सकती है। हाथों पैरों में झुनझुनी की ज़्यादातर शिकायत एक ही पोजीशन में बैठे रहने के वजह से होती है। जब हम कहीं सही तरीके से नहीं बैठते हैं तो उसी पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे रहना पड़ जाए तो इससे भी मरीज को हाथों पैरों में झंझनाहट होने लगती है। इसका चौथा कारण है ब्लड फ्लो। जिस्म में ब्लड फ्लो की कमी हो जाने की वजह से भी हाथ पैरों में झुनझुनी पैदा होती है। जब जिस्म में ज़रूरी ब्लड फ्लो नहीं होता है या रुकावट के साथ होता है तो ये नसों पर बुरा असर डालता है, जिससे जिस्म में कई हिस्सों में ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है और बॉडी में झंझनाहट आने लगती है। झंझनाहट आने का चौथा कारण है कंप्यूटर या लैपटॉप पर ज़्यादा टाइम टाइपिंग करना। जिन लोगों को टाइपिंग से जुड़ा काम होता है उन्हें भी हाथों और पैरों में झंझनाहट पैदा होती है। लगातार एक ही कंडीशन में बैठ कर उंगलियों से टाइप करने की वजह से उंगलियों की नसों में खिंचाव पैदा होने लग जाता है, जो झुनझुनी की वजह बन सकता है। अब बात करते हैं कि हाथों पैरों में झुनझुनी का एहसास होना कौन सी दूसरी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हाथों पैरों में झंझनाहट कभी कभार हो ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर ये समस्या बार बार होती है तो समझ जाइए कि आपके जिस्म में कोई ना कोई बीमारी पैदा हो रही है या वो बीमारी की शुरुआत है। इसमें सबसे पहले नंबर आता है किडनी से रिलेटेड बीमारियों का। हाथों पैरों में झंझनाहट के कारण किडनी से रिलेटेड कई बीमारियाँ हो सकती हैं। वहीं अगर कोई मरीज किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी से पहले से जूझ रहा है या उसके जिस्म में किडनी से जुड़ी कुछ बीमारी की शुरुआत हो रही है तो उसका सीधा सीधा असर उसके नसों पर पड़ता है, जिसके वजह से नसें कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा किडनी ख़राब होने पर जिस्म में फ्लूइड रिटेंशन होता है, यानी फ्लूइड जमा होने लगता है। इसका असर भी नसों पर पड़ता है, उसके वजह से भी नसों में झंझनाहट पैदा हो जाती है। इसके अलावा जिस्म में झुनझुनी होने का एक बीमारी कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के रोगियों को जिस्म में ब्लड शुगर और इंसुलिन बढ़ने लग जाता है, जिसका असर नसों पर पड़ता है।
अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो आप अक्सर अपने जिस्म में और हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको हर महीने अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए और अपनी शुगर को लेवल में रखने की कोशिश करना चाहिए। इसके परफेक्ट कंट्रोल से आप जिस्म में होने वाली झंझनाहट से आसानी से आज़ादी पा सकते हैं। वहीं जिस्म में कई और दूसरी बीमारियां भी हैं जो झंझनाहट की वजह बन सकती है, जैसे कि अर्थराइटिस, सीलिएक डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के वजह से भी हाथ पैर और जिस्म में झंझनाहट हो सकती है। वहीं जिस्म में झुंझुन होने का और एक बीमारी भी कारण है, यानी कार्पल टनल सिंड्रोम। वहीं कई बार गर्भवती महिलाओं को भी पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। ऐसा उन महिलाओं के साथ होता है जिनके पैर के तलवे फ्लैट होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ भी इस तरीके की परेशानी हो रही है तो टेंशन की कोई बात नहीं। प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद ये समस्या आराम से रिजॉल्व हो जाती है। पैरों में झुनझुना आने की और के कारण है कि शराब का अधिक सेवन करना, झटके से उठना या बैठना, खाने में ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना या हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होने से भी हाथों पैरों में झंझनाहट आ सकती है। अब बात करते हैं कि किन टेस्ट की मदद से हम हाथों पैरों की झुनझुनी आने के कारण का पता लगा सकते हैं। इसके लिए मरीज़ की फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, साथ ही साथ मरीज़ की नर्वस सिस्टम की डीपली जाँच की जा सकती है। इसमें डॉक्टर मरीज़ को क्या क्या परेशानी हो रही है, उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़, उनका काम और उनके द्वारा ली जाने वाली दवाइयों के बारे में पूछते हैं। इस हिस्ट्री के साथ डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इलेक्ट्रोलाइट लेवल यानी जिस्म के रसायनों और खनिजों की जांच, थायराइड प्रोफाइल, जिस्म में विटामिन के लेवल का पता लगाने के लिए खासकर vitamin B12 का पता लगाने के लिए vitamin B12 की जाँच, जिस्म में सूजन के बारे में जानने के लिए ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड टेस्ट के अलावा कुछ खास स्कैन कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि CT स्कैन या MRI, जिसमें सिर और रीढ़ की हड्डी की बीमारी और नसों के दबने की प्रॉब्लम के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खाने की चीज़ों के बारे में जिनके इस्तेमाल से आप हाथों पैरों की झंझनाहट को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको जानकारी दी है कि कुछ ज़रूरी न्यूट्रिशन की कमी से भी ये समस्या हो सकती है। ऐसे में पौष्टिक आहार को डाइट में शामिल कर आप इस समस्या से बच सकते हैं। इन ज़रूरी न्यूट्रिशन में शामिल है विटामिन बी। ये न्यूट्रिशन नसों के लिए ज़रूरी है। ऐसे में विटामिन बी वाली चीज़ें जैसे कि अंडा, केला, मटर, मीट, एवोकाडो का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा खाने में विटामिन सी ज़रूर शामिल करें। नसों में किसी भी प्रकार की चोट से होने वाले नुकसान के इलाज में विटामिन सी मददगार हो सकता है। ऐसे में खाने में विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे कि ब्रोकली, पालक, आलू या स्ट्रॉबेरी ज़रूर शामिल करें। सही न्यूट्रिशन के लिए आप अपने खाने में डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर का भी इस्तेमाल करें। ये जिस्म के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन में से एक है। दरअसल ये सब चीज़ कैल्शियम के अच्छे सोर्स में से आती है और कैल्शियम की कमी भी हाथों पैरों में झुनझुनी का कारण हो सकती है। ऐसे में इनका इस्तेमाल झुनझुनाहट कम करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। अब जानते हैं हाथों पैरों में होने वाली झुनझुनाहट को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय के बारे में। हाथों पैरों में होने वाली झुनझुनाहट को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय काम में ला सकते हैं, जैसे कि लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना, लेवेंडर तेल की 8 से 10 बूंद 1/4 कप बादाम तेल के साथ मिक्स करके हाथों पैरों की मालिश करें। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट पर पब्लिश एक रिसर्च के हिसाब से ये ऑयल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के मरीजों में लेवेंडर तेल की मसाज फ़ायदेमंद साबित होती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ये एक नर्वस सिस्टम से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें मरीज को बार बार पैर हिलाने की इच्छा होती है। ऐसा माना जा सकता है कि लेवेंडर तेल की मसाज इस समस्या को कम कर इसमें होने वाली झुनझुनी को कम करने में मदद कर सकता है। वहीं हमारे इस नुस्खे में हमने बादाम तेल का भी उपयोग किया है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। दरअसल हाथों पैरों में झुनझुनी का एक कारण ब्लड वेसल में आई सूजन भी होती है। ऐसे में बादाम तेल का असर भी उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा झुनझुनाहट को कम करने के लिए आप जिंको बायलोबा हर्बल चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप जिंको बायलोबा चम्मच की चाय पत्ती की 1 चम्मच 1 कप पानी
और शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप एक कप पानी में जिंको बायलोबा चाय पत्ती डालें और इसे अच्छे से 5 मिनट तक उबाल लें। फिर इसको दूसरे कप में छान लें और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाकर पी लें। दिन भर में 1 या 2 बार इस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में झंझनाहट के कारण में से ब्लड वेसल में सूजन भी इसके लिए एक जिम्मेदार हो सकती है। ऐसे में एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली चीज़ों का इस्तेमाल इस प्रॉब्लम को कम करने में फ़ायदेमंद हो सकता है। जिंको बायलोबा भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। वहीं हाथ पैर की झंझनाहट कम करने के लिए आप दालचीनी के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए हाथ और पैरों को नियमित तरीके से दालचीनी का तेल लगा सकते हैं। अगर आपको दालचीनी का तेल ना मिले तो आप सरसों के तेल में दालचीनी पाउडर मिलाकर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी के फ़ायदे के बारे में अगर बात करें तो इसमें जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करना भी शामिल है। ख़ास तौर पर दालचीनी का तेल हाथ और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मददगार हो सकता है। अब बात करते हैं कि हाथ पैर की झंझनाहट के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सुनपन के लिए एगेरिकस मस्कुलरिस 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको हाथ या पैर एक जगह जमे हुए जैसे महसूस होते हैं तो ये बहुत कारगर दवा है। कभी कभार गलत सो जाने या पैर पे पैर रख कर बैठने से भी पैर सुन हो जाते हैं, उसमें झुनझुनी सी आ जाती है। ऐसे में ये दवा बहुत लाभकारी है। इस लक्षण में एगेरिकस मस्कुलरिस 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा जब सोते सोते पैर में क्रैम्प आ जाए, चलने फिरने से काफ मसल्स में क्रैम आ जाए और उसमें सुनपन आ जाए तो अर्जेंटिकम मेटालिकम एक बहुत ही असरदार मेडिसिन है। अर्जेंटिकम मेटालिकम 30 पावर में दिन में 2 बार 2 बूंद का सेवन आपको करना है। वहीं अगर पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, खड़े रहने का काम आपको करना है तो पैरों की कमजोरी के साथ सुनपन आ जाए तो ऐसे में जलसीमियम बहुत ही अच्छी दवा है। इसके तुरंत आराम के लिए आप जलसीमियम 3x पोटेंसी में 5 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लें। आपका सुनपन और कमजोरी दूर हो जाएंगी। अगर ये बीमारी लंबे समय से चली आ रही है तो आपको जलसीमियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 2 बार लेनी होती है। वहीं अगर बिस्तर में लेटने से सुनपन आता है, उंगली में सुनपन हो और झुंझुनाहट होती हो तो अरनिका एक बहुत ही अच्छी दवा है। अरनिका ब्लड सप्लाई को अच्छा करती है। अरनिका 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2 बूंद 15 दिनों तक ले तो सुनपन ठीक हो जाएगा। वहीं अगर कभी कभी कोई नस दब जाए या ख़राब हो जाए तो हैपेरिकम एक बहुत ही असरदार दवा है। हैपेरिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम 2 महीने के लिए इस्तेमाल करें। इन सभी दवाइयों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इन दवाइयों को घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास इस बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।